Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आपके लिए लेकर आया हूं आपकी डिमांड पे न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड के एमसीक्यू। आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि सर हमारे एग्जाम नजदीक हैं तो प्लीज एमसीक्यू कराइए, तो लीजिए आ चुकी है पहला वीडियोज जिसके आपको इंतजार था। तो देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा होने वाला है एरर इन कंप्यूटेशन। तो ये काफी थियोरेटिकल यूनिट है आपकी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट जल्दी आने वाली है जिसमें हम फॉरवर्ड बैकवर्ड और न्यूटन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उसको जल्दी अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं जिसको आज हम समझाने वाले हैं। वो इस तरीके से हैं कि फर्स्ट वाला पॉइंट है द नंबर इन विच देयर इज नो अनसर्टेनिटी एंड नो अप्रोक्सीमेशन इज सेट टू बी एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर किसको कहते हैं उसके बारे में बता दें। तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट के एग्जाम्पल की, तो जैसे 3 इज एग्जैक्ट नंबर, 6 इज एग्जैक्ट नंबर, 5/4 इज एग्जैक्ट नंबर, 7.35 इज ऑल्सो एग्जैक्ट नंबर। सर कैसे? इस तरीके से एग्जैक्ट बोला जाता है क्योंकि एग्जैक्ट कौन सा नहीं है, विच देयर इज नो अनसर्टेनिटी, मतलब जिसमें अनिश्चितता ना हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4.01 से लेकर 4.09 तक के डिजिट में से कोई सी डिजिट, तो ये एक कोई फिक्स चीज नहीं बताई गई। यहां से लेकर यहां तक की एक कंडीशन दे दी, ना तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए कि अराउंड 5 या अराउंड 9, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं होनी चाहिए और अनसर्टेनिटी भी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट नंबर देखिए 5/4 को भी सॉल्व करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, 7.35 इज ऑल्सो एग्जैक्ट वैल्यू, तो इनको एग्जैक्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते, थोड़ा सा स्पीड में रहेगा आज का हमारा लेक्चर क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा बर्डन है क्योंकि आपके बहुत सारे अभी लेक्चर इसके अभी अब आज तो स्टार्टिंग हुई है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से सेकेंड यूनिट भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक, और साथ में बहुत सारी सीरीज हमारी चल रही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री के हैं, सीएस के हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं शेयर कीजिए क्योंकि काफी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं तो एक बूस्टअप मिलता है हमको। अभी लेटेस्ट ही एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि सर मेरे एग्जाम हुए और आपके उससे काफी कुछ हेल्प मिली, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से कमेंट आप करते जाया करें। ठीक, आगे देखते हैं द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्ट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट नंबर। जो नंबर एग्जैक्ट नहीं होगा उसे कहेंगे हम अप्रोक्सीमेट नंबर। थर्ड देखेंगे द अप्रोक्सीमेट नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। तो बात बिल्कुल सेम है कि जो एग्जैक्ट नहीं होगा वो अप्रोक्सीमेट होगा, और यूं भी बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट नंबर इज ए नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस, जिसको हम किसी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट से एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम अप्रोक्सीमेट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी बता दो सर अप्रोक्सीमेट नंबर का, तो लाइक दिस 1.4142 इज अप्रोक्सीमेशन इज इज अप्रोक्सीमेट फॉर √2, मतलब √2 की अप्रोक्सीमेट चलता है इसके आसपास, तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर कहलाएगा जिसकी एक फिक्स डिजिट नहीं आगे तक चलता जाता है। जैसे मैं 22/7 को मैं अगर खोलूं तो 3.142857 इस तरीके से आगे चलता रहता है, तो कोई एक फिक्स डिजिट से हम नहीं बता रहे हैं, हम बोलते हैं सर इसके अप्रोक्स है, तो ये जो कोई फिक्स डिजिट से नहीं बता सकते उसको हम बोलते हैं क्या, अप्रोक्सीमेट नंबर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ सुपर फ्लोयस डिजिट एज डिजायर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ अ नंबर। अब ये क्या है सर कटिंग ऑफ सुपर फ्लोयस, तो देखिए फ्लोयस क्या है इसको इस तरीके से समझेंगे। मान लिया हमारे पे 22/7 है, मैं फोर्थ का एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक, इसको मैंने लिखा 3.142857, आप करते जाएंगे ऐसे आता जाएगा, तो किस इसमें कुछ डिजिट होती हैं, जब किसी
अप्रोक्सीमेशन नंबर को कट करते हैं, मतलब कट का मतलब है जैसे आपने देखा होगा हम पॉइंट के कुछ डिजिट तक लेने के बाद आगे के नंबरों को नहीं लिखते हैं, 2 decimal तक लिखते हैं, 3 decimal तक लिखते हैं। तो इस कटिंग ऑफ का मतलब यह है कि हम उसको कट कर दें ऐसे कुछ स्पेशल चीजों को। तो किस तरीके से, तो ऐसे जब स्पेशल चीजों को लिखते हैं तो राउंड ऑफ में लिखते हैं, मतलब एक इस दायरे में। तो कैसा दायरा है, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करूंगा मैं, क्योंकि जब इसमें हम ये लिखते हैं तो हमने बोला, मैंने अगर मैं बोलूं कि मैं लास्ट के 3 digit हटा रहा हूं मतलब, या यूं बोल चूंगा पॉइंट के बाद मुझे 3 decimal तक ही डिजिट चाहिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा सर 8 है, 5 से ज्यादा है तो ये आ जाएगा 3.14, और ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा। ऐसा लिखते थे, बिल्कुल सही है, जब 5 से ज्यादा संख्या होती थी तो उसे हटा के आगे एक बढ़ा देते थे। बट मैं अगर कोई बोले कि नहीं जी मुझे तो 2 decimal तक ही चाहिए, तो ये इसे भी हटाना है, तो अब देखो अगर मैं इसे भी हटाना चाहूं तो ये क्या है मेरा, ये 3 decimal तक था, 3 decimal। अगर मैं बोलूं 2 decimal तक चाहिए तो 2 decimal तक के लिए ये 2 भी हटाना पड़ता, ये 2 भी हटाना पड़ता। तो अब ये 2 कैसा है, 2 5 से छोटा है तो आगे कोई चेंज नहीं होगा, तो वहां लिखते 3.14, ये क्या था 2 decimal तक था। ठीक, यहां से भी हटा सकते थे, जैसे इसे हटाते हैं कोई चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये संख्या 5 से कम है। तो ये रूल होता है डेसिमल का, ये कोई यहां पर समझाने वाली बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है जब ये कटिंग ऑफ की प्रोसेस होती है तो जो डिजायरेबल जो आंसर आता है वो हमारा राउंड ऑफ में आता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अभी यहां पर मिलने वाले हैं, थ्योरेटिकल आने वाला है यहां से काफी सारे क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके से अभी एग्जाम स्टार्ट हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो मैं एक देख रहा हूं एक पैटर्न जो कॉमन आ रहा है वो है विदाउट कैलकुलेशन पे ज्यादा बेस्ड है, मतलब कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे रहा है जिससे बच्चों को कम टाइम मिले। और रफ पेज ध्यान रहे, जैसे ये बुक ऐसी है जिसमें रफ पेज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, तो आपके पेपर के आगे और पीछे दोनों जगह काफी रफ पेज के लिए स्पेस मिलेगा, मेंशन होगा आपके पेपर में, डोंट वरी, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात कैलकुलेटर की, तो सर मैं ये कह सकता हूं कि कैलकुलेटर में भी होगी परमिशन दे दे आपका कॉलेज, क्योंकि ये डिपेंड करता है कॉलेज में कि वो देता कि नहीं देता परमिशन, बट ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि न्यूमेरिकल मेथड में आपको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, अगली डिजिट देख रहे हैं, द नंबर राउंडेड ऑफ एन सिग्निफिकेंस फिगर एज आर सेड टू बी करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका मतलब क्या है सर, ये एन सिग्निफिकेंट क्या चीज है, इसको भी समझ लेते हैं, देखेंगे थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। मैंने बोला, आप देखेंगे, मैंने बोला 8 समझेंगे, एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, 5 को मैं समझा रहा हूं, एक एक चीजें समझा के चल रहे हैं हम आपके साथ। ठीक, तो 5th में है जो द नंबर ऑफ राउंडेड ऑफ एन सिग्निफिकेंस फिगर, अगर मैं किसी को राउंड ऑफ करता हूं, देखो राउंड ऑफ मतलब कट करता हूं कुछ पॉइंट तक, या कहीं कोई किसी राउंड ऑफ करता हूं किसी एन सिग्निफिकेंस का मीनिंग समझा देते हैं आपको। तो मैंने बोला मेरे पास डिजिट है 8.97773 और इसको हमें 4 significance में करना है, 4 significance में कट करना है। 4 significance का मतलब है मुझे 4 digit चाहिए, डेसिमल नहीं बोला मैंने, डेसिमल नहीं बोला, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए जब आपको 4 चाहिए तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 यहां तक चाहिए आपको, इसके आगे की आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राउंडेड ऑफ मतलब हटा रहे हैं, और राउंडेड ऑफ करने के नियम समझेंगे, जैसी ये जो हटाने वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है तो आगे 1 जुड़ जाएगा, 5 से छोटी है तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए 7 is greater than 5 तो 5 से बड़ा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका सिग्निफिकेंस बन जाएगा 81.98, इसको हटाएंगे तो यहां 1 बढ़ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक, तो देखो 4 digit आ गई, 4 digit सिग्निफिकेंस है ये। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने आपको बोला 48.368 का मुझे 4 digit वो या 4 significance चाहिए,
तो फिर सेम थिंग 1, 2, 3, 4 इसको आप हटा रहे हो तो इस ये 5 से बड़ी है तो यहां पर एक आ जाएगा 48.37। ठीक, अब अगर ये यहां पर 48.363 होता इसको हटाते तो अब ये बनती 48.36 ही रहता। इवन ऐसा होता 48.365 होता, फिर 5 से बड़ी में बढ़ाएंगे, 5 भी है तो क्या रहेगा 48.36 ही रहेगा। ये रूल मतलब जिस डिजिट तक बोलेंगे n सिग्निफिकेंस बोला है तो n सिग्निफिकेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात इसने बोली है। ठीक है, आगे द जीरो यूज्ड बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर एज सिग्निफिकेंस। अगर कोई दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो यूज किया जाता है तो वो सिग्निफिकेंस होता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल आपके लिए दे रहे हैं, 6 वाले के लिए एग्जांपल मैंने बोला, देखिए 0.003 ये कितना सिग्निफिकेंस है अगर किसी ने बोला तो मैं इसे बोलूंगा 1 सिग्निफिकेंस, क्योंकि आगे जीरो की जो वैल्यू है ना इसको कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, मतलब सिग्निफिकेंस में काउंट नहीं करते हैं। डिजिट क्या है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डिजिट काउंट करेंगे, इसे बोलूंगा 1 सिग्निफिकेंस। ठीक, बट अगर ये ऐसा होता 3.005 अब मैं इसे बोलूंगा 1, 2, 3, 4 अब इसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं 6 पॉइंट। कुछ पॉइंट मैंने देखिए कलेक्ट करें क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां मेरे एमसीक्यू बने हुए थे मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कलेक्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में इस, ये तो अब थ्योरेटिकली पढ़ाना है मुझे। एक्यूरेसी रिफर्स, देखो ये जो भी पॉइंट्स लिखे हैं ना ये आपको इसी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं एरर से नहीं आता तो गलत फहमी, उसकी एरर से क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली। एक्यूरेसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस डिजिट इन अ वैल्यू। एक्यूरेसी जो होती है वो सिग्निफिकेंस डिजिट पे की वैल्यू पे डिपेंड करती है, मतलब बिल्कुल फिक्स नंबर पे को ही एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, एरर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इन पर बेस्ड। एरर होती है जो ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू हटा देते हैं, मतलब जो फिक्स वैल्यू थी, जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसमें से जो आसपास की जो वैल्यू है वो हटा दी, तब जाके पता चलता है कि भाई क्या एरर था। ठीक, एब्सोल्यूट एरर तो यही सेम चीज है, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मॉड जो कहलाता है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, जब मैंने दे रखा है एक्स इज ट्रू वैल्यू और एक्स ए इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक, रिलेटिव एरर क्या होता है, जब हम एब्सोल्यूट एरर को, जैसे ये जो एब्सोल्यूट एरर था, इस एब्सोल्यूट एरर को जब हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिलेटिव एरर आ जाता है। नोटेशन आप ध्यान रखना है, ई ए एब्सोल्यूट एरर, ई आर रिलेटिव एरर। ओके, परसेंटेज एरर जब हम 100 इंटू ई आर करते हैं, मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100 करते हैं, तब जाकर हमें परसेंटेज एरर फाइंड होता है। ओके, आगे पॉइंट देखते हैं, द रिलेटिव एरर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मलाइज एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर को हम नॉर्मलाइज एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। फाइंड, ये इस तरीके की चीजें आने वाली हैं, आपके क्वेश्चन पे डायरेक्ट पूछेगा क्या क्या होता है। तो देखिए, द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर आर इंडिपेंडेंट। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है ऑफ अ यूनिट ऑफ मेजर। ये दोनों चीज यूनिट ऑफ मेजर से इंडिपेंडेंट होती है, वाइल जबकि एब्सोल्यूट एरर आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट यूज्ड, जबकि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। तो ध्यान रखना है कौन सी इंडिपेंडेंट होती है एरर, रिलेटिव और परसेंटेज, जबकि हमारी जो एब्सोल्यूट एरर है वो डिपेंड होती है। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे। इफ द नंबर इज करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक, मतलब अगर कोई नंबर किसी निश्चित नंबर तक ले फिक्स है, इट्स एब्सोल्यूट एरर कैन नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ अ यूनिट इन द nth प्लेस, तो उसकी एब्सोल्यूट जो एरर होगी वो हाफ ऑफ यूनिट से ज्यादा नहीं होगी। मतलब ये सिंपल इसका वे ये है कि आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई अगर हाफ ऑफ जो एब्सोल्यूट एरर कोई भी चेंज नहीं होगा अगर वो हाफ ऑफ डिजिट से ज्यादा नहीं होगी, तो क्या बोला है, एब्सोल्यूट एरर कैन नॉट बी ग्रेटर, ज्यादा नहीं होगा हाफ ऑफ अ यूनिट ऑफ nth प्लेस, nth प्लेस की हाफ यूनिट से ज्यादा नहीं होगा।
ठीक आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इफ अ करेक्ट टू एन डेसिमल प्लेस देन एरर, क्या है एरर, क्या होती है 1/2 × 10^n, ठीक है। एन डेसिमल प्लेस की जो एरर फाइंड करी जाती है वो इस तरीके से करी जाती है 1/2 × 10^-n, ठीक। अभी आएगा इस पे भी क्वेश्चन, इसके आगे कुछ और पॉइंट्स लिखा है मैंने। तो देखिए, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस फिगर ऑफ अ नंबर आर एंड द नंबर इज करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंस फिगर देन रिलेटिव एरर इज, देखिए यहां पर नॉर्मल एरर थी, ठीक, और जबकि रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर लेस देन दिस वन, इसका मतलब समझेंगे, ऐसा भी है इसका मतलब, दैट इज जो रिलेटिव एरर हमने पढ़ी थी वो कैसे थी, ई आर, ये पढ़ी थी, रिलेटिव एरर लेस होती है, किससे होती है लेस, 1/r × 10^(n-1) से, ठीक। द एरर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ स्टेटमेंट, ये देखिए ऐसी एरर जो पहले से ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट होती है, एंड ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर इट्स सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से पहले ही अगर कहीं उस स्टेटमेंट में एरर होती है तो ऐसी एरर को इनहेरिटेंट एरर कहते हैं, और इनहेरिटेंट एरर को ही क्या बोलते हैं, इनपुट एरर कहा जाता है, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ठीक। आगे देखिए, द डाटा एरर कब निकलती है, व्हेन डाटा आर ऑब्टेन बाय सम एक्सपेरिमेंटल मेथड, अगर कोई डाटा किसी एक्सपेरिमेंट मेथड में यूज किया जाता है तो तब डाटा एरर निकलती है, क्यों, विद लिमिट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मतलब उसकी लिमिट एक्यूरेसी होती है, किसी एक्सपेरिमेंट में कोई डाटा अगर रखा जाता है तो उसमें कौन सी एरर निकलती है, डाटा एरर, ध्यान रखना है, डाटा एरर को क्या करते हैं, एम्पिरिकल एरर भी कहा जाता है, ठीक है। द कन्वर्जन एरर अराइज, और कन्वर्जन एरर कहां से निकलती है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर टू स्टोरेज ऑफ डाटा, एग्जैक्टली, जब कंप्यूटर में किसी डाटा को स्टोर किया जाता है तो तब कन्वर्जन एरर निकलती है, और इसको रिप्रेजेंटेशन एरर भी कहा जाता है। तो चलिए, ये सारी पॉइंट्स हमने आपको समझा दिए, ये आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अब इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है और उसके बेस पे हम आगे चलते रहेंगे। देखिए, एक बात और बताऊं, हमने एक चीज और किया है, बीच बीच में एड्स आ रहे होंगे, मैंने सोचा भाई बच्चे बोर हो रहे हैं तो क्यों ना कुछ एड लगा दिया जाए वीडियो में, तो देखिए एड आते हैं तो थोड़ा बहुत देख भी लिया कीजिए एड को, माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी बहुत हमें भी, फिर थोड़ा हमारा भी सोर्स हो जाता है कि भाई एड चलते रहते हैं तो हमें भी पॉजिटिविटी मिलती रहती है, ठीक है बस। और इसी तरीके से कमेंट करते दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी सेकेंड पार्ट आने वाला है इसका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है हमें, क्योंकि मैथ्स वाले टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैथ्स के तो एमसीक्यू मिल रहे हैं, उनसे पूछिए, जो 8 सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यू कहां से आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इस बार मैथ्स वाले रॉक करने वाले हैं। द नंबर इन विच देयर इज नो अनसर्टेनिटी एंड नो अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट नंबर, डायरेक्ट नोट्स से होने वाला है, ध्यान रखिए, विदाउट, जो हमने जो नोट्स अभी आपको समझाए इसके बिहाफ में ही ये कर रहे हैं, विदाउट नोट्स हमारे इससे हिलने वाले भी नहीं थे क्वेश्चन, ठीक। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आर कॉल्ड अप्रोक्सीमेट नंबर, ठीक है, सिंपल है। द राउंड ऑफ अ नंबर और अ डिजिट एन सिग्निफिकेंस फिगर इफ द नंबर इज लेस देन हाफ ऑफ यूनिट, ठीक है, समझना, अगर किसी नंबर का राउंड ऑफ करें एन सिग्निफिकेंस फिगर तक, किसी कोई नंबर को, जैसे एक नंबर दिया उसे 5 डिजिट तक ही रखना है, उसके आगे के हटाना है, इज लेस देन हाफ ऑफ अ यूनिट, अगर वो कम है, 5 से कम है, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, रिमेन सेम, वो नंबर आगे कोई चेंज नहीं होता, तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए, इफ अ डिस्कार्डेड नंबर इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ अ यूनिट देन, अगर जो डिस्कार्डेड नंबर है, जो राउंड है, राउंड ऑफ नंबर है, वो हाफ से ज्यादा हो,
हाफ से ज्यादा हो तो तब क्या होगा, nth डिजिट पे वन जुड़ जाता है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। द जीरो यूज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज मैंने बताया था नॉन जीरो के बीच में जब भी जीरो होता है तो वो कैसा बिहेव करता है, वो सिग्निफिकेंस बिहेव करता है। ठीक है, जब नॉन जीरो के बीच में होगा तो देखिए बिल्कुल आपने वो पॉइंट्स पढ़ लिया ना, तो ये तो धड़ाधड़ होंगे इसके क्वेश्चन। द नंबर राउंड ऑफ एन सिग्निफिकेंस फिगर एज आर सेट टू बी करेक्ट अप टू, अगर कोई नंबर को राउंड ऑफ किया एन सिग्निफिकेंस तक तो वो कहां तक करेक्ट होगा, तो वो कहां तक करेक्ट होगा, एन तक ही होगा जहां तक उसे सिग्निफिकेंस किया गया है। द एरर विच कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट से जो एरर आता है तो आपको याद था वो ऐसा कौन सा होता था, वो इनहेरिटेड, तो यहां ना इनहेरिटेड तो मुझे कोई सा नहीं लिख रहा, तो ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, पता रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू, ध्यान से समझेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर ER मतलब रिलेटिव एरर इज डिनोटेड, इफ ER डिनोट द रिलेटिव एरर देन परसेंटेज एरर EP एंड डिफाइन बाय, तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन होगा, C, आपको पता होना चाहिए ER कैसे डिनोट होता है, 100 इंटू वो सॉरी EP कैसे डिनोट होता है, 100 इंटू ER हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। द एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, जब एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिलेटिव एरर बन जाता है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लास्ट डिजिट द वैल्यू इज कॉल्ड, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, आगे देखते हैं, इफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस फिगर ऑफ अ नंबर इज R एंड द नंबर इज करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंस फिगर, ये अलग है थोड़ा। ठीक, अगर कोई सिग्निफिकेंस फिगर जो नंबर है वो R है और करेक्ट कहां तक है, एन तक है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, ये डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ये रिलेटिव एरर लेस देन होगा, मैंने वहां शायद लिखा भी होगा, हाँ रिलेटिव एरर लेस होता है किससे, इससे। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ नंबर करेक्ट इन एन डेसिमल प्लेसेस, कोई नंबर एन डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है तो उसमें एरर क्या होगी, हमने बताया था 1/2 इंटू 10^-n। ठीक, 13th हो गया हमारा, 14 देख रहे हैं, द एरर विच इज या आर डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, ऐसा एरर जो इंडिपेंड होता है यूनिट से, तो कौन से होता है, रिलेटिव भी इंडिपेंडेंट है, परसेंटेज भी इंडिपेंडेंट है, तो ए एंड बी बोथ, डिपेंडेंट कौन सा होता है, एब्सोल्यूट। ठीक है, द एरर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट, ऐसा एरर जो एक्सप्रेस्ड होता है या बोले डिपेंडेंट होता है, कौन सा होता है, एब्सोल्यूट एरर। ओके, ठीक है, द नंबर 86.498 इज एक्यूरेट टू, ये कहां तक एक्यूरेट है, तो मैंने बताया था कोई एक्यूरेट नंबर कहां तक होगा, अपने एन सिग्निफिकेंस तक होगा, और इसमें कितनी सिग्निफिकेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि एग्जैक्ट है। ठीक, एग्जैक्ट नंबर है ये, तो 5 सिग्निफिकेंस डिजिट है इसमें, तो ये एक्यूरेट भी उतने ही डिजिट तक होगा। ठीक, आगे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ सुपरफ्लोसियस डिजिट्स एंड रिटेनिंग एज मैनी डिजिट्स एज डिजायर इज कॉल्ड, तो क्या होगा बताओ, जब हम कटिंग ऑफ करते हैं किसी को तो क्या होता है, डिजायर ऑफ राउंड ऑफ, ऐसी प्रोसेस को हम राउंड ऑफ कहते हैं, जब हम पीछे से काटते हैं। तो देखिए ये मेरे कुछ फर्स्ट चैप्टर एरर से रिलेटेड हमने आज आपको ये 17 क्वेश्चन कर दिए हैं, मतलब क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर से 17। अब एरर वाले से अब आपको नहीं है कोई खतरा, क्योंकि अब इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है बच रहा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जल्दी लेकर आने वाले हैं, थोड़ी आराम से कराएंगे उसको, इसमें ज्यादा चीजें समझाने वाली नहीं थी और जल्दी बनानी थी वीडियो आप लोगों के लिए, तो मैंने बना दी है। तो जल्दी मिलते हैं, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, देखिए आप इतना तो हमारे लिए आपको करना पड़ेगा,
कि क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, ठीक, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। इस टाइम जितने बच्चों को इसकी नीड है सबके पास तक पहुंचाइए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, बिल्कुल जल्दी नए लेक्चर में मिलते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं जल्दी, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड के कुछ क्वेश्चंस होंगे, लगभग कंप्लीट करेंगे उसको। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय।